हरियाली तीज पर विश्व विख्यात ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ठाकुर बांके बिहारी ने स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। इस बार खास बात ये थी कि डेढ़ दशक बाद सुबह के समय में भी स्वर्ण रजत झूला डाला गया। इस अनुपम छवि को निहार कर भक्तगणों की खुशी का ठिकाना न रहा। अपने आराध्य की मनमोहक छवि निहार कर श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे थे। इससे पूर्व तड़के ही दूर दराज से आए भक्तों की मंदिर प्रांगण में भारी भीड़ दिखाई दी। हरियाली तीज पर ठाकुर जी को गर्भगृह से जगमोहन में स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान कराया गया। सुबह जैसे ही भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए, संपूर्ण मंदिर परिसर ठाकुर जी के उद्घोषों से गुंजायमान हो उठा। गौरतलब है कि हरियाली तीज के पर्व का तीर्थ नगरी वृंदावन में विशेष महत्व है। इस दिन यहां सभी प्रमुख मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी को झूला झुलाने की परंपरा है। मान्यता के अनुसार इस दिन पहली बार वृंदावन की पवित्र धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा संग झूला झूलने का आनंद लिया था। तब से लेकर आज तक वृंदावन के सभी मंदिरों में उसी परंपरा का पूरी आस्था के साथ निर्वहन किया जाता है। 32 फुट चौड़े और 12 फुट ऊंचे सोने और चांदी से निर्मित इस विशाल झूले में बांके बिहारी झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं। उनके दोनों तरफ खड़ी सखियां उन्हें झूला झुलाती हैं। हरियाली तीज के मौके पर हरे रंग को महत्व दिया जाता है। ठाकुर जी को हरे रंग की विशेष पोशाक धारण कराई जाती है। इतना ही नहीं, सेवायतों ने भी हरे रंग की पोशाक पहनी। हरियाली तीज पर्व को लेकर ठाकुर जी को घेवर का भोग अर्पित किया गया। मंदिर में ठाकुर जी के स्वर्ण रजत हिंडोला के दर्शनों का क्रम देर रात तक चलता रहता। इधर बाहर से आए श्रद्धालु भक्ति से ओत प्रोत नजर आते हैं। वहीं सावन के गीतों पर महिलाएं थिरक कर झूमती नजर आती है। आप देख रहे हो कि मंदिर में इतनी भीड़ है कि लाखों हजारों लोगों की संख्या दर्शन करने आ रही है ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर जी के जो झूले के दर्शन पिछले वर्षों की भांति जो केवल शाम को ही होते थे, वो सुबह से दर्शन खुले हुए हैं। सुबह भी झूले पड़ रहे हैं, शाम को भी झूले पड़ रहे हैं। जो आने वाले श्रद्धालु भक्त हैं ठाकुर जी के दर्शनों का दोनों टाइमों में लाभ ले पा रहे हैं। और लाखों लोगों की भीड़ है ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद ले रही हैं। ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार, विशेष पोशाक ठाकुर जी ने पहने हुए हैं। मंदिर में जो पूर्व वर्षों की भांति जो सजावट होती थी, ठाकुर जी का मंदिर पूरा हरा है, पूरा हरा था। ठाकुर जी की जो पोशाक वो हरी विशेष बनाई गई है। ठाकुर जी की जो सखी खड़ी हैं उनकी विशेष पोशाकें बनाई गई हैं। ठाकुर जी को विशेष घेवर का भोग लग रहा है। ठाकुर जी के पीछे जो सेज सजा सजाई जाती है वो विशेष आकर्षण का केंद्र है। जो सुहागिन महिलाएँ होती हैं वो राधा रानी को सिंगारा चढ़ाती हैं, जिससे कि अपनी स्वाद की अमरता के लिए वो ठाकुर जी की पूजा करती हैं। और ठाकुर जी के दर्शन सबसे ज़्यादा समय के लिए हरियाली तीज के दिन ही खुलते हैं। और ठाकुर जी के दर्शन का आकर्षण ये है कि ठाकुर जी सब भक्तों को कृतार्थ कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। सारा रास्ता वन वे कर दिया गया है। पूरे जिले की पुलिस लगा दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोग दर्शन करके अपना निकल के आनंद ले रहे हैं। ये लगभग 1947 में पहली बार ये झूला पड़ा था, तब से ये परंपरा चली आ रही है। और कई किलो सोना और कई किलो चांदी इसमें लगाई गई है। इसकी नक्काशी जो की गई है विशेष बनारस के कारीगरों से की गई है, जो देखने के लिए उत्तर भारत का एक आकर्षित और आकर्षण का केंद्र रहने वाला झूला है ये। इस झूले को दर्शन करने के लिए लोग लालायित रहते हैं कि इस झूले के दर्शन कैसे भी साल में एक बार हों। इसमें जब ठाकुर जी विराजते हैं तो इस झूले की महिमा और बढ़ जाती है। इसमें राधा रानी और बिहारी जी जो है वो झूला झूलते हैं, जो कि हमें यही सिखाते हैं कि कैसे हमें पति पत्नी रहना चाहिए, कैसे हमें प्यार से रहना चाहिए। यही बिहारी जी हमें सिखाते हैं। और इसको देखने के लिए मैं हर साल आती हूँ और मैं उनका शुक्रिया करती हूँ। और उनसे मैंने अपना रिश्ता बनाया हुआ है। वो मेरे माँ और मेरी माँ लगती है, वो मेरे पिता भी लगते हैं। और जो कुछ बिहारी जी से जो कुछ भी मांगते हो सब कुछ आपको मिलता है।
और मैं मोदी जी का बड़ा शुक्रिया अदा करूंगी कि मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और मैं मोदी जी के लिए केदारनाथ होने गई थी, केदारनाथ जी, और मैंने वहाँ कुछ नहीं मांगा था, एक ही चीज मांगी थी कि मेरे केदारनाथ जी के साथ मेरे देश के प्रधानमंत्री जो है वो है। मैं यहाँ पे आती रहती हूँ और हर साल आती हूँ, हर महीने आती हूँ, और ठाकुर जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बहुत ही अति अति सुंदर, इतने सफल हो गई हो, इतने सुंदर, इतना सुंदर मैं बता नहीं सकती, चाहेंगे नहीं कर सकती, लफ्ज ही नहीं, मैं तो पागल हो चुकी हूँ। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ और यहाँ आती रहती हूँ, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, बुलाते रहते हैं। आप कितनी सालों से आ रही हैं? आप कितनी सालों से आ रही हैं? मैं 3-4 साल से।